तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ओम ट्रिक्स पे, जहाँ पे होती है क्लास 10th और क्लास 12th यूपी बोर्ड 2019 की तैयारी। दोस्तों वीडियो पे नए आए हो और 10वीं 12वीं की तैयारी करा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट अपलोड होता रहता है। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो आपके आने वाले क्लास 12th यूपी बोर्ड 2019 के एग्जामिनेशन में। दोस्तों तो पूरा अच्छे से हमारा ये वीडियो देखते रहिएगा, साथ ही साथ ये जो जितना भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इसका पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के सभी लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों और अगर आप 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आप एकदम वीडियो अच्छे से देखते रहिएगा। पाठ का नाम है हमारा गीत, ठीक है, ये पद्यांश है हमारे, पाठ का नाम है गीत। तो सबसे पहला वाला हमारा इम्पोर्टेंट जो है ये देखिए यहाँ पे इधर दिया गया, निरक सकी के खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। ये हमारा पद्यांश है नीचे तक की, ये देखिए ये पूरा पद्यांश है हमारा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये पद्यांश आपको आपके पेपर में भी दिया गया होगा। इनको पढ़ के, यानी कि इस पद्यांश को पढ़ के आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे, जिसके लिए मिलेंगे आपको 8 नंबर, ठीक है। वो कौन से प्रश्न है जिनके आपको इस पद्यांश पढ़ के उत्तर देना रहता है वो नीचे चल के बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न जो रहता है वो रहता है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, दूसरा है हमारा रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए, तीसरा है हमारा उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है, चौथा है हमारा हंसों को देखकर उर्मिला का अनुमान क्या लगाती है, पांचवा प्रश्न है बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो आपका है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, शीर्षक का और लेखक का नाम पूछा गया था, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, शीर्षक का नाम गीत, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर है ये देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, हे शरत तुम्हारा स्वागत है क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के ताप का, हंसों में उनकी गति और हास्य का, तथा बंदूक पुष्पों में उनके अधरों का आभास पाया है। आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में मोती न्योछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है और मैं अपने आंसुओं का आधार देकर तुम्हारा अभ्यर्थना करती हूँ। यहाँ तक कि आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है दोस्तों। और नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर पे, क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर है उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है, चौथे प्रश्न का उत्तर है हंसों को देखकर उर्मिला यह अनुमान लगाती है कि प्रियतम इस ओर घूमे होंगे और अथवा निश्चय ही मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे, ये हमारे चौथा प्रश्न का उत्तर। पांचवें प्रश्न का उत्तर है बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रीतम के अधरों का आभास पाया है, ये हो गया 5 प्रश्न के उत्तर जो आपको देने थे दोस्तों। नेक्स्ट पद्यांश की तरफ चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पद्यांश ये देखिए दूसरा वाला, कहते आते थे यही अभी नरदेह माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है, ये पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा मृदुल गात्र ही देखा। ये है आपका गद्यांश, ठीक है, पद्यांश सॉरी, ये पद्यांश है हमारा। तो इसको पढ़ के आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो 5 प्रश्न कौन से हैं हमारे, प्रश्न पहले देख लेते हैं, 5 प्रश्न है। पहले प्रश्न है हमारा उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा प्रश्न है पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, चौथे प्रश्न का उत्तर है किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, और पांचवा प्रश्न है हमारा ये देखिए
इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हुआ है। इन पांच प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने देखिए दिया गया, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप, कवि हैं इसके मैथिली शरण गुप्त जी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए आपको दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या, कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आते थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। यहां तक इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारे देखिए नीचे दिए गए होंगे, ये देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर है हमारा, ये देखिए तीसरे प्रश्न का पद्यांश के अनुसार, आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, कैकेयी के प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ शरीर नहीं देखा। और पांचवें प्रश्न का उत्तर है, इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाला कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ है। यहां तक कि आपको दोस्तों इन पंक्तियों का उत्तर देना है। तो साथ ही साथ हमारी पंक्तियां यहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं। ये हमारे पद्यांश था गीत चैप्टर का, उम्मीद है आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।